जे हमारी पत्नी खूबसूरती के चक्कर में जे हमको मानना चाहती है, जे हमारी पत्नी खूबसूरती के चक्कर में ये हमें मानना चाहती है। छतरपुर में पत्नी ने पति को चाय में जहर देकर मारने की कोशिश की। पति को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। पति का कहना है कि उसकी पत्नी के किसी दूसरे के रिश्तेदार से अवैध संबंध है, जिसके चलते पत्नी उसे मार देना चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है। मामला छतरपुर जिले के लवकुश नगर थाना क्षेत्र के देवपुर गाँव का है, जहाँ के रहने वाले प्रमोद विश्वकर्मा का कहना है कि उसकी पत्नी सुधा विश्वकर्मा के उसके दूर के रिश्तेदार संतोष विश्वकर्मा से प्रेम प्रसंग और अवैध संबंध है। उसने कई बार उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देखा और पकड़ा है। उसे कई बार समझाने का प्रयास किया पर उसकी समझ में नहीं आया। बावजूद इसके वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी और सब वैसा ही चल रहा था। परेशान होकर मामले की सारी जानकारी जब उसने अपने परिवार वालों को दी तो उन्होंने भी उसे रोका टोका। वो भड़क उठी। अब वो साफ तौर पर मुझसे कहती है कि वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। उसने प्रेमी के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से उसे चाय में जहर देकर मारने की कोशिश की है। पत्नी है जो तो नाजायज संबंध बनाई हुई है और कई प्रकार के आदमी मेरे घर में आते हैं और उस दिन भी 3 लोग आए थे और संतोष विश्वकर्मा भी आया था। तो इस उन्होंने समझाया, चाहे जैसा किया हो घर भेजा था हमारे साथ और मेरी घर वाली ने चाय में चाय बनाई थी। उस टाइम पे लाइट भी चली गई थी तो उसने जहर मिलाकर मुझे पिला दिया और चक्कर भी आने लगे और वहीं पे गिर पड़ा। कैसे पता चला आपको जहर है इसमें? चक्कर आने लगा मुझे, वहीं पे गिर पड़ा। किससे संबंध हमारी पत्नी के क्या है? संतोष विश्वकर्मा। कौन है, कहाँ कहाँ है? ये टोला का रहने वाला है। क्यों मार दिया आपकी पत्नी ने? कहाँ कहाँ मारा है? यहाँ पे देख, यहाँ पे नोचा है, यहाँ पे हाथ में, हाँ यहाँ पे। क्या कारण है जहर खिलाने का? नाजायज संबंध बनाई हुई है। संतोष ने कहा था कि उसको मार दिया जाए, मेरे संग में चलने के लिए तैयार। पत्नी ने पुटिया करके ये बता रहे हैं कि हमें जहर दिया गया है। चाय में दिया है? चाय करें ने चाय बनाई है बढ़िया, पुटिया के बैठाला गया इनको और फिर कह रहे हैं कि एक बार पानी पिलाया फिर चाय दी गई है और फिर इनके कहना ये है कि मतलब चाय में जहर मिला के दिया गया है। क्या है, क्यों दिया है इनकी पत्नी ने? अब इनका विवाद चल रहा था पत्नी से विवाद चल रहा था। पत्नी जो है दो चार इधर उधर के गुंडे आते रहते हैं इनके घर में, आना जाना रहता है। ये बता रहे हैं कि संतोष विश्वकर्मा का आना जाना है इधर हमारे घर में। और बावजूद इसके पति प्रमोद अपनी खूबसूरत पत्नी सुधा को छोड़ना नहीं चाहता है और अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद मोबाइल पर अपनी पत्नी को निहार रहा है। मामला चाहे जो भी हो पर इतना तो होता है, पत्नी के प्रेम प्रसंग और अवैध संबंधों के चलते ये पति पत्नी का झगड़ा एक नए मोड़ पर आ गया है और पति की जान पर बनाई है, जिससे पत्नी अपने पति की जान लेने पर तुली हुई है। अब इस बार तो पति जैसे तैसे बच गया, लेकिन आने वाले समय में शायद ये और भी घातक हो सकता है। छतरपुर से राजेश चौरसिया की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।